गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग? देखिए हम लोग आपको लगातार वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए तैयारी के लिए डाल रहे हैं। हमारा साइन क्लास परिवार और मैं बिबलेश मिश्रा आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और लगातार UPSI के परिप्रेक्ष्य में हम लोग वीडियो बना रहे हैं ताकि दूर दराज बैठे वाले लड़के जो बाहर हैं, जो पढ़ने में आने में दिक्कत है, उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो का अभी चैप्टर आगे शुरू कर रहा हूँ। रैंकिंग टेस्ट को पीछे बनाया गया था, उसी आगे बढ़ाते हुए बात करने चल रहा हूँ। रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण टाइप 2, उसमें क्वेश्चंस आते हैं ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर व्यक्तियों की स्थिति ज्ञात करना, ये टाइप 2 का है। टाइप 1 में बता चुका हूँ, टाइप 1 को देखिए। इस पर आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति है ऊपर नीचे बैठे हुए हैं, उसी में क्रम में है, बताना होगा ऊपर से कौन सा स्थान है, नीचे से कौन सा स्थान है। इसमें आप देखिए आगे हम बात कर रहे हैं। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है कि टोटल नंबर इक्वल टू अप प्लस डाउन माइनस वन। जैसे कि क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं ये देखिए, कर एक पंक्ति में 50 लोग बैठे हैं जिसमें दिनेश का ऊपर से 31वां स्थान है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा? सवाल को ध्यान समझिएगा, एक फार्मूला हमारे पास है। ये फार्मूला क्या कहता है, एक चैप्टर को जरा समझिए। चैप्टर क्या कहता है, कह रहा ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर व्यक्तियों की स्थिति ज्ञात करना। कोई व्यक्ति अगर बीच में बैठा, कहीं बैठा है किसी सीरीज में, उसको कैसे पता लगा लेंगे? जैसे कि सवाल मैंने आपको दिया है, सवाल को समझिए जरा। सवाल ये कह रहा है कि पहले फार्मूले को देख लेंगे, टोटल नंबर इक्वल टू अप प्लस डाउन माइनस वन। क्वेश्चन है एक पंक्ति में 50 लोग बैठे हैं जिसमें दिनेश का ऊपर से 31वां स्थान है तथा नीचे से कौन सा स्थान होगा? कुछ नहीं करना है, सीरीज फार्मूले में आपको सेट करना है। फार्मूला ये कहता है, फार्मूले को गौर करिएगा। फार्मूले को आपने देखा, सोल्यूशन को हम लगाने चल रहे हैं। सोल्यूशन ये कह रहा है कि फार्मूला जब भी सवाल लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, तो फार्मूले को आप लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाएगा। ये फार्मूला कहता है ये अप प्लस डाउन माइनस वन, ये फार्मूला है। कहा है कि इस पंक्ति में 50 लोग बैठे हैं, इसका मतलब कि 50 लोग थे पूरे, करा ऊपर से स्थान कितना है 31वां है, नीचे से हमें पता नहीं, यक्स हो गया, माइनस वन कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा सवाल को, हमने सवाल जैसे बताया कहा आपके 50 लोग बैठे हैं, ऊपर से दिनेश का स्थान 31वां था, नीचे से पूछ रहा है, जैसे कि एक क्रम है, एक श्रेणी यानी है, इसी में कहीं दिनेश बैठे हैं, दिनेश जी यहीं के बैठे हैं, करा है कि ऊपर से जिनका जो क्रम है, ऊपर से क्रम कितना है आपका 31वां है, तो नीचे से क्रम पूछ रहा है कौन सा स्थान पे होगा, ये सवाल है आपका। तो आपने यह मान लिया कि नीचे से जो है माना कि दिनेश का नीचे से स्थान क्या है, दिनेश का नीचे से स्थान यक्स है, स्थान यक्स है, ठीक है। बस हमने लगा दिया फॉर्मूला, देख लीजिए आपके सामने लगा हुआ है। फॉर्मूला कहता है टोटल नंबर प्लस अप प्लस डाउन माइनस वन। अब आप देख रहे हैं 50 लोग हो गए, ऊपर से 31वां, नीचे से पता नहीं, यक्स माने हैं, साल सल कर लेंगे तो 50 घटा लेंगे तो ये एक घट जाएगा 30 प्लस यक्स, इधर भेज देंगे 50 माइनस 30 इक्वल टू यक्स, इसका मतलब 20 इक्वल टू यक्स, इसका आंसर हो गया नीचे से जो स्थान होगा, नीचे से आपका 20वां स्थान होगा, ये आंसर होता है। समझिए दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, क्योंकि हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि UPSI को इतना बेहतर पढ़ाया जाए, UPSI में लड़के सेलेक्ट हों। और ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि जो हमारे प्रतिष्ठान था साइंस क्लासेस परिवार में, साइंस क्लासेस हरिओम नगर में नहीं आ पा रहा है किसी कारणवश, उनके लिए हम वीडियो व्यवस्था कर रहे हैं। अगर जो आना चाहता है वो साइंस क्लास पर यहाँ पर आए, हरिओम नगर सेंटर है गोरखपुर में, आप यहाँ आइए, हम आपको वहाँ मिलेंगे। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन को। क्वेश्चन 2 क्या कहता है ज़रा देखिए। क्वेश्चन 2 ये कहता है कि किसी पंक्ति में लीला का स्थान 25वां है, ऊपर से नीचे से तथा कुल लोगों की संख्या 55 है, तो लीला का
ऊपर से क्या स्थान होगा, ऊपर से क्या स्थान होगा, ये सवाल है। आप समझिएगा ध्यान से, जैसे दिख रहा है किसी पंक्ति में लीला का स्थान पूछा हुआ नीचे से तथा कुल लोगों की संख्या 55 है, तो लीला का ऊपर से क्या स्थान होगा, लीला का ऊपर से क्या स्थान होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, फार्मूला आप बार बार लिख लीजिए। फार्मूला क्या कहता है, टोटल नंबर। जब भी आप सवाल लगाइए कोई भी फार्मूले को लिख करके याद कर लीजिए, फार्मूला याद रहेगा, आसानी से आप कर सकते हैं। टोटल नंबर इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट सॉरी अप प्लस डाउन माइनस वन, ये फार्मूले को लिखेंगे, बार बार आपको याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सवाल में क्या दिया है, क्या पूछा है, नीचे ऊपर से पूछा है, तो हम मान लेंगे माना लीला लीला का नीचे से ऊपर से स्थान x है, स्थान x है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं, इस तरह एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप तुरंत एग्जाम में x मान के लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा। तो हमने क्या किया, ऊपर माना लीला का ऊपर से स्थान x हो गया, तो एक सीरीज मैंने बता दिया, ये सीरीज एक लाइन बना हुआ है, इसी लाइन में कहीं वो लीला बैठी है, इसी में लड़के बैठे हैं, इसी में लीला कहीं वो बैठी है, और ऊपर से कर नीचे से स्थान क्या है, 25वां है, उसका स्थान लीला का 25वां है यहाँ पे, तो पूछ रहा ऊपर से कौन सा स्थान होगा। चूँकि पिछले वीडियो में क्या था, ऊपर से पूछा गया दिया था, नीचे पूछ रहा था, इस वीडियो में इस नीचे से ऊपर है, ऊपर से पूछा जा रहा है। फावला आपने देखा कितने लोग उसमें पूरे थे, 55 लोग हैं पूरे लोग, तो 55 इक्वल टू अप को हमने x मान लिया, डाउन को हमने 25 मान लिया, माइनस वन कर दिया, तो 25 में से घट जाएगा, क्या आएगा 24, यानी 55 में से आप जो है क्या करेंगे 24 घटा देंगे, इक्वल टू x होगा, घटाएंगे कितना मिलेगा, घटाएंगे 5 में 4 गया 1 हो गया, 31वां क्या स्थान होगा x का, अर्थात आंसर क्या होता है कि ऊपर से 31वां स्थान होगा। ये प्यारे दोस्तों जरा समझिए सवालों को, हर सवालों को समझना पड़ेगा, बिना समझे आप कर नहीं पाएंगे, ध्यान से समझिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए, प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं आपसे कहूँगा कि UPSI की लगभग 9,500 वांट आ चुके हैं, कृपया आप लोग तैयारी में लग जाइए। किसी तरह की तैयारी में प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, बताइए। हमारे साइन क्लासेस हरिओमनगर में सेंटर है, आप जब भी आते हैं सेंटर आपको उपलब्ध मिलेगा, आप जब भी आए, पढ़ाई के यहाँ माहौल अच्छा है, बनाया गया है हम लोग, और आप जिसको पढ़ाई का माहौल अगर नहीं यहाँ पर आ पा रहे हैं तो उनको हम लोग वीडियो व्यवस्था करके घर तक पहुँचाने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। तीसरा टाइप ये कहता है कि दो व्यक्तियों के बीच बैठे लोगों की संख्या ज्ञात करना, सवाल है। ये जरा टॉपिक को समझना है, दो व्यक्तियों के बीच बैठे लोगों की संख्या ज्ञात करना। अब इसमें ध्यान समझिएगा कि इसका क्या फार्मूला होता है। नंबर वन, इसमें दो बात है, एक बात ये है, पहला कि जब दिए गए कुल लोगों की संख्या की संख्या तथा दोनों व्यक्तियों की स्थान स्थिति का योगफल कम हो तो
नियम अर्थात समझिए सवाल को, जब दिए गए कुल लोगों की संख्या तथा दोनों स्थितियों की स्थिति का युगफल कम हो तो नियम क्या कहता है। मतलब ये कह रहा है इसका क्या कहता है, कम से कहता है बीच बैठे लोगों की संख्या, लोगों की संख्या एक फार्मूला निकालना है। रूल क्या कहता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि कुल संख्या माइनस दोनों की स्थितियों का योग, स्थितियों का योग। इसको समझिएगा, इस फार्मूले को समझिएगा, फार्मूला क्या कहता है, और अच्छा फार्मूला है, फार्मूले को समझिए। तो ये क्या कहता है, जब दिए गए कुल लोगों की संख्या तथा दोनों स्थितियों के स्थान स्थिति का योग कम हो, मतलब ये स्थिति जो दिया होता है इनको जोड़ लिया जाए और कुल संख्या दिया हो इस ये कम हो उससे, तो ये उनके बीच कितने लोग बैठे हैं इसके फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। मतलब दोस्तों ध्यान समझना, सवाल में करा कि दो व्यक्तियों के बीच बैठे लोगों की संख्या ज्ञात करना से एक नंबर वन है, फिर नंबर टू बताऊंगा आप तो समझ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन देगा कि एक पंक्ति में 80 लोग बैठे हैं, 80 लोग बैठे हैं जिसमें सीता का स्थान, सीता का स्थान 40वां है तथा नीरू का स्थान 10वां समझिएगा। एक पंक्ति में से लोग बैठे जिसमें सीता का बाएं से स्थान 40वां है तथा नीरू का दाएं से 35वां है, तो इन दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं। जरा समझिए सवाल, 80 लोग बैठे हैं करा किसी पंक्ति में, करा 80 लोग इसमें बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ सीता बैठी है, यहाँ नीरू बैठी है, कह रहा है कि इधर से इसका स्थान कितना है 40वां है और इधर से स्थान इसके कितना है 35वां है, कह रहा है तो इन लोगों के बीच कितने लोग बैठे हैं, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं ये बताना है ये क्वेश्चन। तो कैसे आप जानेंगे, सिंपल तरीका बताया अभी फार्मूला, इसके पिछले में बताऊँ कि फार्मूला कैसे लगाना है, कि आपको क्या करना है कि कुल संख्या एक बार चेक करना है माइंड में कि कुल संख्या कितना है। फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला क्या कहता है कि बीच में बैठे लोगों की संख्या फार्मूला क्या करता है, पहले जितना संख्या दिया है क्या दिया है, कितने संख्या ज़्यादा लोग हैं 80 लोग हैं, आप यहाँ लिख लीजिए 80 आपने लिख लिया। स्थितियों का योग कितना है, एक 40 है और एक 35 है, तो आप क्या करेंगे, आप ध्यान समझिए क्या करेंगे, आप इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए कितना आंसर आ रहा है, 80 को आप जोड़ेंगे। अगला टॉपिक ले लेता हूँ आपको, तो 80 माइनस 75 इसका मतलब 5, यानी 5 लोग उसमें बैठे हैं। आंसर कितना होता है कि 5 लोग जो है बैठे हैं। ये कब लगाएंगे, जब इस फार्मूला कब लगेगा कि जब स्थितियों का योग आप दिए गए संख्या से कम होगा तो हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप लोग मन लगा के पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।